हेलो एवरीवन, सो अभी है हम लोग सनासर के रास्ते में। रास्ता खराब होने के साथ साथ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, जो आप देख सकते हो, बकरियों का भेड़ बकरियों का जो है ट्रैफिक लग रखा है। बड़े बड़े चिनार के पेड़ हैं, ऊंचे ऊंचे, देखो इनकी हाइट देख सकते हो आप कितनी ज्यादा। और इनके बीच में से निकलता हुआ सूरज बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और बड़ा ही ज्यादा प्यारा व्यू है यहाँ का। और ये देखो पूरा रास्ता इन लोगों ने ब्लॉक करके रखा, पूरा बंद करके रखा। और इनके इनके मालिक भी आ रहे हैं, इनके करता धरता वो भी साथ में। और उसके साथ इनकी जो स्मेल है ना भाई साहब, क्या ही बताऊँ आपको, इतनी मैं बोलूंगी कि आपको परफ्यूम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी अच्छी खुशबू आएगी इनकी। और ये रही भेड़े जिनकी ऊन बनती है, बस यही ऊपर से काटा जाता है और फिर चरखे पे जो है ऊन बनाई जाती है। अभी भी इतनी सारी हैं, ये व्यू देख सकते हो आप सामने कितना जबरदस्त और प्यारा व्यू है। आगे भी ट्रैफिक लगा हुआ है और देखो कहाँ तक है ये, और पीछे करोड़पति आ रहा है, ये देखो पीछे जैकेट पहन के करोड़पति भी कौन? कौन हाँ करोड़ सही में ये करोड़पति से भी ऊपर है जिनके पास इतनी सारी भेड़ बकरी है। तो ये एक एक भेड़ भी एक एक लाख की होगी, तो आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि ये करोड़पतियों से भी ऊपर है इस टाइम। और वो सामने एक भैया जो है मजदूरी कर रहे हैं, सामने दिख रहा होगा आपको नाले में, ज़ूम करे वो देखो वहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ये लोग। आप नहीं करते? हम इतनी नहीं कर सकते भाई, इनके मुकाबले तो नहीं कर सकते हैं जितनी ये करते हैं। और भैया को यहाँ पे फ्रेग्रेंस आती है जिसके भैया फुल आनंद उठाते हुए। और ये करोड़पति थे इनके जो मालिक थे, करता धरता। अभी हम लोग इतने सारे इनके ट्रैफिक में से निकले हैं, व्यू बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है यहाँ का। बोलते हैं ना कि असली मजा तो सफर का है, मंजिल में क्या रखा है बस वही बात है। सफर का तो पता नहीं, मंजिल का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ का सफर बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा, बहुत मजा आ रहा है यहाँ से चलते हुए, ये व्यू देखते हुए, बड़े बड़े पेड़ भेड़ बकरियाँ, और रास्ता बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और सुंदर है। मैं भी देख रही हूँ, मुझे कोई परफेक्ट सा प्यारा सा व्यू दिखे यहाँ पे। और ये यहाँ पे देसी आलू घर के बेचते हुए, यहाँ पे जो भी आपको सब्जियाँ वगैरह लगी हुई स्टॉल दिखेंगे छोटे छोटे सड़क के किनारे, ये इनकी घर की सब्जियाँ होती हैं। और इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आई थी मैं तो भी यहाँ से लेके गई थी। कड़म कड़म होता है हमारे जम्मू में, बहुत फेमस सब्जी है, जैसे साग होता है बाहर, मेथी पालक लोग खाते हैं, वैसे ही जे एंड के में कड़म बहुत खाया जाता है। छोटे छोटे एक वो नाराज होके बैठी हुई है इनसे साइड पे, वो टिकन जा रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, इन्हें पूरा एक्सपीरियंस है। हाँ रास्ता देख सकते हो कितना जबरदस्त है, और ढलान में देखो कितना प्यारा है। आप लोग बने रहे मेरे साथ वीडियो में, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप भी इतने खूबसूरत नेचर का जो आनंद है वो उठाने से पीछे रह जाएं। ये देवदार के पेड़ होते हैं जिनके घर बनाए जाते हैं, इनकी लकड़ी ख़राब नहीं होती है, बोट वगैरह बनाई जाती है इनकी, बहुत कुछ बनता है इस लकड़ी का, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत लकड़ी होती है। बहुत बड़े बड़े पेड़ रहते हैं इनके। नहीं हम हलसीदार में थे, वहाँ पे नहीं थी बिजली, वहाँ पे लोग आज भी लंप के साथ ही रहते हैं। लेकिन वो जगह इतनी प्यारी जहाँ पे, जिसकी मैंने आधे घंटे की वीडियो डाली हलसीदार। हाँ और वहाँ पे ना विंडो भी ना उन्होंने बनाई है छोटी छोटी, सोलर रखे हुए लोगों ने धूप में हलसीदार दे हलसीदार से ऊपर भैया उनके जंगलों में।
मिट्टी के घर इतना मजा है भैया, उधर आ हा जन्नत पूरी। नहीं ये तो इनदे कोल भी नहीं है, बिजली भी लगा है कुंदे कोल, जेड़ा कच्चे कच्चे मकान है। हां कच्चे वाले कोल जानी है, नहीं तारा ते आई हां ऊपर बड़े बड़े खंभे लगे चोरी दी जाते हो इनाम ही। हां हाँ गेट मैंने वो याद आ रहा था, मैं गेट देखा ये मस्जिद अभी कड़ी जामा मस्जिद बनाई दी बना दो ये गेट हा यहाँ पे खींच चाहिए फोटो शोने है ना, यहाँ पे बैठते थोड़ी देर वो ना, चलो वीडियो शूट। हाँ इधर वही शाल होने वीडियो शूट, ठीक है चलेंगे, चलो चलो अच्छी जगह वीडियो बनाएंगे आठ दस। और फाइनली छोटा सा यहाँ पे खाने पीने का टी स्टॉल है, और ये व्यू यहाँ पे अभी हम लोग कुछ देर के लिए रुके हैं फोटो शूट और वीडियोस के लिए, वो आप देख सकते हो मेरे शॉर्ट वीडियो में जाके।